हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान किसान आंदोलन में आगे के जो आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ और अलवर किसान आंदोलन के बारे में ये इसका पार्ट टू है। इसका पार्ट वन जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो मारवाड़ किसान आंदोलन जो है 1923 से 1947 तक चला। मारवाड़ संघ की सेवा संघ की 1921 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हड़ताल के कारण जो है सरकार को 100 जगह की जगह जो है सरकार ने 80 तोले के एक शेयर का जो निर्णय लिया था उसको रद्द करना पड़ा था। मारवाड़ किसान आंदोलन का सूत्रपात जो है 1922 में हो गया था, जब बाली व गोड़वाड़ के भील जो है भील गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन से प्रभावित होकर जोधपुर राज्य को लगान देने से जो है इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जो है जय नारायण व्यास जो कि मारवाड़ हितकारी सभा के जो है अध्यक्ष थे के नेतृत्व में मादा गाय भैंस और बकरी को राज्य से बाहर जो है मुंबई अहमदाबाद नसीराबाद और अजमेर भेजने के विरुद्ध जो है जन आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन जो है अगस्त 1924 में सफल हो गया था। और इससे जो है जो मारवाड़ सरकार थी उसने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। सन 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जो है जागीरों के किसानों को लाभ तथा शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः जो है आंदोलन चलाया। और इस समय जो है किसानों को 136 तरह की लाग और बेगार देनी पड़ती थी, तो इसके लिए जो है इन्होंने आंदोलन चलाया था। जय नारायण व्यास है के तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस आंदोलन को जो है प्रमुखता से छापा गया। और इस वजह से जो है जोधपुर राज्य ने तरुण राजस्थान पर प्रतिबंध लगाते हुए जय नारायण व्यास 20 जनवरी 1930 को जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ को जो है बंदी बना लिया। और इसके बाद जो है ठिकाने के खिलाफ 7 सितंबर 1929 को लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों ने लाग बाग समाप्ति के लिए आंदोलन किया और लाग बाग जो है देना बंद कर दिया। 28 मार्च 1942 को लांडू में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए आए लोक परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठियां और भालों से हमला हुआ और इस घटना की जो है चारों तरफ निंदा हुई और महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने जो है इस घटना की निंदा की थी। फिर लोक परिषद तक किसान सभा के नेता जो है 13 मार्च 1947 में आयोजित किसान सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए डीडवाना स्थित डाबड़ा पहुँचे। डाबड़ा जो है डीडवाना में है, वहाँ पे जो है मथुरादास माथुर, द्वारका प्रसाद राजपुरोहित, राधा कृष्ण वोहरा और नरसिंह कछवा के नेतृत्व में 500 से 600 किसान जो है सम्मिलित थे इस आंदोलन में उस समय। तो इसमें जो है हिंसा हो गई और उसमें जागीरदार की ओर से जो है मेहताब सिंह और आंदोलनकारियों की ओर से जग्गू जाट और चुन्नी लाल जो है इसमें मारे गए थे। फिर डाबड़ा में पन्ना राम चौधरी और उसके पुत्र जो है मोतीराम को लोक परिषद नेताओं को शरण देने के लिए जो है इसमें मार दिया गया था। तो उस सम्मेलन में जो है हिंसा हुई थी और उस हिंसा की जो है अखबारों में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी जो है उसकी आलोचना की। और जून 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में आज़ाद भारत में राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो है नाथुराम मिर्धा जो है कृषि मंत्री बने। और 6 अप्रैल 1949 को मारवाड़ टेनेंसी एक्ट 1949 से जो है किसानों को खातेदारी अधिकार जो है प्राप्त हो गए और इस तरह से जो ये आंदोलन है वो समाप्त हो गया। उसके बाद है अलवर किसान आंदोलन। अलवर जो है उसमें वो ऐसा राज्य था जहाँ 80% भूमि जो है वो खालसा थी, जो कि सीधे जो है राजा के अंडर आती थी या राज के नियंत्रण में आती थी, और केवल 10% जो है वो जागीरदारों के नियंत्रण में थी। तो ये राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन रहा जो खालसा क्षेत्र में चला गया। अलवर भरतपुर के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में जो है स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें विश्वेदारी कहते थे। और
इसके बाद जो है अलवर भरतपुर में भू राजस्व की सबसे बदतर पद्धति प्रचलित थी इजारा। इस पे जो है बोली, जो हाईएस्ट बोली लगाता, जो हाईएस्ट बिड पे करता था उसी को जो है भूमि दे दी जाती थी। तो ये ब्रिटिश पद्धति पर आधारित भू राजस्व का जो है बंदोबस्त था जो 1876 से ही चला आ रहा था। और इसके विरोध में जो है अलवर में 2 बार आंदोलन हुआ था। पहला आंदोलन जो है 1921 में हुआ और दूसरा जो है 1923-24 में हुआ था। पहले किसान आंदोलन का प्रारंभिक कारण जो है अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सुअर को मारने पर प्रतिबंध था। जो प्रतिबंध उन्होंने लगाया था क्योंकि अलवर रियासत में जो है जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर पाला जाता था और ये जो सुअर है वो किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे और उसके लिए जो है किसानों को किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता था। इस कारण जो है किसानों में रोष उत्पन्न हो गया था और ये आंदोलन जो है 1921 में किसानों द्वारा ही शुरू किया गया था और इसे सुअर आंदोलन भी कहते हैं। और महाराजा को जो है किसानों की बात को मानना पड़ा और सुअर पालने के जो रोग हैं उनको समाप्त कर किसानों को जो है सुअर मारने की अनुमति दे दी गई थी। अब दूसरा आंदोलन जो है वो 1923-24 में जो है शुरू हुआ नीमू चाड़ा में, जिसमें कि भू राजस्व में जो है भारी वृद्धि यानी जो लैंड रिवेन्यू था उसमें जो रेट्स थी उनको इंक्रीज कर दिया गया था बहुत ज़्यादा। इससे जो है भू राजस्व या लैंड रिवेन्यू रेट्स जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई थी और उच्च जातीय किसानों की जो विशिष्ट स्थिति थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। यानी जो राजपूत किसान थे उनकी जो रियासतें उनको जो जागीरें मिली थी उनसे वो ले ली गई थी। इसके विरोध में जो है 24 मई 1925 में नीमू चढ़ा हत्याकांड हुआ जो कि वारूर तहसील अलवर में है। अलवर रियासत में 1924 में भूमि बंदोबस्त हुआ। इससे जो है भू राजस्व या लैंड रिवेन्यू जो है रेट्स वो 40% से ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई और जो राजपूत किसानों को पूर्व में प्राप्त रियासतों को समाप्त कर दिया गया। और ये 2 कारण थे जिसके कारण जो राजपूत किसान हैं उन्होंने 1924 में आंदोलन की शुरुआत की जो खालसा क्षेत्र के थे। और इसका नेतृत्व जो है माधव सिंह और गोविंद सिंह ने किया और इसका प्रमुख केंद्र जो है नीमू चढ़ा था। अलवर के किसानों ने 1925 में दिल्ली में एक सभा आयोजित की जिसमें 200 राजपूत किसानों ने भाग लिया और यहीं से जो है पुकार नामक एक पुस्तिका जो है प्रकाशित की गई जिसमें किसानों की समस्याओं के बारे में लिखा गया था। और अलवर के महाराजा ने इस मामले की जाँच के लिए 7 मई 1925 को एक आयोग गठित किया और अलवर के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए नीमूचड़ा नामक स्थान पर एकत्रित हुए जो किसान हैं 14 मई 1925 को वहाँ पे छाजू सिंह ने जो है सभा पर गोलियाँ चला दी और पूरा गांव जला दिया। उसमें सैकड़ों किसान जो है वो मारे गए थे। और इस हत्याकांड की जो है पूरे देश भर में निंदा हुई और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। इसके बाद जो है राजस्व सेवा संघ ने इस मामले की पूरी जांच की तथा जांच की पूरी कहानी जो है इस नींबू चढ़ा के जो हत्याकांड है उसकी पूरी कहानी जो है 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में प्रकाशित की गई थी। और इसमें जो है इस हत्याकांड का असली खलनायक जो है वो गोपाल दास नामक अधिकारी को माना जाता है। और इसके बाद अलवर जो नरेश है वो नीमू चढ़ा आए और मारे गए लोगों के परिवारों को जो है मुआवजा दिया और 18 नवंबर 1925 को पुरानी दर से लगान वसूलने के आदेश दिए गए। इस तरह से जो ये आंदोलन है यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद 1932 में मेव आंदोलन हुआ। मेव किसानों ने जो है बड़ी हुई लगान देने से मना कर दिया और 32 में जो है आंदोलन प्रारंभ किया और इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और यासीन खान ने किया था। और एक संस्था थी अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक, उसने जो है अपनी मांग दरबार में प्रस्तुत की। उसके बाद जो है 1933 में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इसका बहाना लेकर अंग्रेज सरकार ने जो है जयसिंह को निष्कासित कर दिया और ये जो है आंदोलन यही जो है समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।